हेलो फ्रेंड्स, इट्स अवर यूट्यूब चैनल साइंस टीवी, साइंस नॉलेज 191। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड अबाउट आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू गेट मोर। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स को अनकवर करेंगे जिन्हें सुन के आप चौंक उठोगे और एक ही लफ्ज़ कहोगे, OMG। फैक्ट नंबर वन, डू यू नो कि आप ये जानते हैं, दिस वॉज हाउ डॉक्टर्स ट्रीटेड हेडेक इन 1895। ना कर भाई, भाई टूट जाएगा उसका सर। फैक्ट नंबर टू, डू यू नो कि आप जानते हैं, द प्लैनेट यूरेनस वॉज डिस्कवर्ड इन 1781 व्हाइल द एंटार्क्टिका वॉज नॉट डिस्कवर्ड अंटिल 1820। यानी कि हम इंसानों को यूनिवर्स की इतनी परवाह है कि मैं अर्थ की परवाह नहीं। फैक्ट नंबर थ्री, सैमसंग सेफ्टी ट्रक्स डिस्प्ले द रोड अहेड ऑन द बैक ऑफ द ट्रक्स सो द कार्स कैन पास सेफली। ये कितनी अच्छी बात है कि सैमसंग के जो ट्रक्स हैं वो अपने बैक पे आगे का रास्ता दिखा दें ताकि गाड़ियां आराम से गुजर जाएं। फैक्ट नंबर फोर, डू यू नो कि आप ये जानते हैं, द लार्जेस्ट केव इन द वर्ल्ड हैंग्स ऑन डोंग इज इन वियतनाम, इट्स ओवर 200 मीटर्स हाई एंड हैज इट्स ओन क्लाइमेट, जंगल, रिवर्स एंड क्लाउड्स इनसाइड। दुनिया की सबसे बड़ी गार हैंग्स ऑन डोंग जो कि वियतनाम में वाकई है, ये 200 मीटर चौड़ाई के अंदर है और इसका अपना ही आबो हवा है। नंबर 5, बिल गेट्स वेटिंग इन लाइन फॉर अ बर्गर आउटसाइड रेस्टोरेंट्स इज अ लेसन इन ह्यूमिलिटी फॉर अस। यानी कि इतना अमीर इंसान बर्गर के लिए लाइन में खड़ा है, ये हम जो गरूर करते हैं इनके लिए बहुत बड़ा सबक है। फैक्ट नंबर 6, ये जिस आर्टिस्ट ने पिक्चर बनाई है ना, बस मैं क्या कहूँ कि ये पिक्चर इतनी डीप है कि हम इससे हमारी समझ से भी बालातर है। फैक्ट नंबर 7, आपको पता है ये चीज़ क्या है? पता है क्या है? नहीं पता ना। What is this? What is this? तो फिर सुन ले, सुन, ये जो पिक्चर है ये नासा की ली हुई है जिसके अंदर एक रॉकेट जो है स्पेस की तरफ जा रहा है और ये क्लाउड्स के ऊपर से नासा के टेलीस्कोप ने ली है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे जो हैप्पीएस्ट एनिमल है वो कौन है? वो है द क्वैक। फैक्ट नंबर 9, द ट्यूमर इज कॉल्ड मेनिंगोमा। ये जो सर के ऊपर ही जो है जेल की सतह से थोड़ा नीचे जो ट्यूमर बनता है इसको मेनिनगोमा कहा जाता है। फैक्ट नंबर 10, डिफरेंस बिटवीन लावा एंड मैग्मा। मैग्मा इज एक्सट्रीमली हॉट लिक्विड एंड सेमी लिक्विड रॉक लोकेटेड अंडर अर्थ सरफेस वेयर मैग्मा फ्लोस आउट ऑन टू अर्थ सरफेस इट इज कॉल्ड एज लावा। किसी लावा वाले पहाड़ में से, जमीन की सतह में से जो मोल्टेन रॉक्स होते हैं वो निकलते हैं तो उसको जमीन के अंदर हम मैग्मा कहा करते हैं। मगर जब वो अर्थ के बाहर आए थे तो उसे हम लावा कहते हैं। लाइक एंड फॉलो पेज एंड ग्रुप ऑन फेसबुक, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।